बेचारा भला आदमी। मैंने सुना है कि दुकानदार ने भले आदमी के रूप में मेरा उदाहरण दिया। मैं उदाहरण बनने से बहुत डरता हूँ। मार्क ट्वेन ने कहा है कि लोग जिस चीज से सबसे अधिक चिढ़ते हैं वे है अच्छा उदाहरण। अच्छा उदाहरण एक बार बन जाने पर आदमी अच्छाई का गुलाम बन जाता है। मेरे एक मित्र को लोगों ने जवानी में ही त्याग का उदाहरण बनाकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं अच्छेपन का उदाहरण बनकर नहीं रहना चाहता। तारीफ से बहुत डर लगता है। कोई मुंह पर तारीफ करे तो उससे पूछ लेता हूँ कि बता भाई कौन सी बेवकूफी करूं, नाली में कूद पड़ूं, धूल में लौटूं। तारीफ करके आदमी से कोई भी बेवकूफी कराई जा सकती है। पीछे कोई तारीफ करेगा, इस बात पर कोई विश्वास नहीं करता। हम कुछ मित्रों के बारे में एक बार एक व्यक्ति ने आश्चर्य से कहा, ये लोग तो ऐसे दोस्त हैं कि पीठ पीछे भी एक दूसरे की तारीफ करते हैं। हम लोगों ने बाद में इस पर बहुत विचार किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि हम लोग मित्रता के आधार की अवहेलना कर रहे हैं। मित्र तो वही होता है जो मुंह पर तारीफ करे। पीठ पीछे तारीफ करने वाला भी कोई मित्र है? दुकानदार मेरा मित्र नहीं है, उसने मुझे भला आदमी कहा तो मैं तो चिंतित हो गया। उसकी दुकान से मैं उधार सामान लेता हूँ और जितना बिल वे बता देता है बिना हिसाब देखे दे देता हूँ। हिसाब न देखना मेरी अच्छाई नहीं आलस्य है। कई बार बुराई भलाई के रूप में प्रचार पाती है। एक धनवान लेखक के बारे में ये बुराई फैली कि वे पैसे देकर दूसरों से पुस्तकें लिखवाता है। मैंने लोगों को समझाया कि अगर तुम उनकी पुस्तकें पढ़ो तो तुम्हें विश्वास हो जाएगा कि वे उन्होंने लिखी हैं। इतना रद्दी उनके सिवाय हिंदी में और कौन लिख सकता है। घटिया लिखना उनकी ईमानदारी का सबूत हो गया। कई दुकानदारों की मीठी बातें जो व्यापारिक चतुरता है मानवीयता के नाम से बाजार में चलती हैं और मेरा आलस्य भलमनसाहत के रूप में चलता है। दुकानदार से कोई ग्राहक हिसाब को लेकर झगड़ रहा था। दुकानदार ने कहा, आप तो बड़ी झिकझिक करते हैं पर साईं जी बेचारे भले आदमी हैं, जो हिसाब बता दो बिना देखे दे जाते हैं। मुझे देखकर ग्राहक बिल्कुल प्रभावित नहीं हुआ। उसने मुझे भला तो नहीं पर बेवकूफ समझा होगा। मैं भी चिंतित हो गया। मैं कोई खास भला नहीं हूँ, देना भूल जाता हूँ लेना नहीं भूलता। मैं भला हूँ क्योंकि आलसी आदमी हूँ। बुरा होने के लिए हाथ पांव और मन को हिलाना पड़ता है। अगले महीने मैंने बुरा आदमी बनने की कोशिश की। मैं घर में हिसाब रखता था। महीने के अंत में जब उससे हिसाब पूछा तो पाया कि उसने 10 रुपए बढ़ा दिए हैं। काफी महंगा सर्टिफिकेट दे रहा था वह मुझे। विश्वविद्यालय में मैंने 10 रुपए भेजकर MA का सर्टिफिकेट ले लिया था जो मुझे जिंदगी भर शिक्षित बनाने के लिए काफी है। दुकानदार का सर्टिफिकेट जिसे मैं मढ़ाकर टांग भी नहीं सकता, 10 रुपए में सिर्फ 1 महीने के लिए मिलता है। मुझे हर साल 120 रुपए इसलिए देने पड़ते हैं कि एक छोटे से शहर का एक जनरल मर्चेंट मुझे भला आदमी कहे। अगर मैं उससे शेष जिंदगी यानि लगभग 30 साल सामान खरीदता रहूं, तो लगभग 3,500 रुपए मैं सिर्फ इसके दूंगा कि उसने मुझे भला आदमी कहा। सारा बाजार मुझे भला कहे इसके लिए तो पूरी आमदनी बांट देनी पड़ेगी। मुझे ये मंजूर नहीं। मैं हिसाब देखने लगा। भले आदमी के उदाहरण के लिए किसी और का उपयोग होगा। लेकिन तब से मैं भले आदमियों के बारे में छानबीन कर रहा हूँ। एक मकान मालिक कहता था कि पांडे जी बेचारे बड़े भले आदमी हैं। पांडे जी उसके मकान में किराए पर रहते थे। एक बरसात के दिन में पांडे जी के घर गया, देखा कि सारे घर में पानी टपक रहा है। उनसे कहा कि मकान मालिक से मरम्मत के लिए क्यों नहीं कहते। पांडे जी ने लापरवाही से कहा, 10-12 दिन ही तो पानी के होते हैं, निकल जाएंगे। मकान मालिक कहता है कि पांडे जी बेचारे भले आदमी हैं। एक सज्जन अफसर कहते कि राजेंद्र मास्टर बेचारा भला आदमी है। जांच करने पर मालूम हुआ कि मास्टर साहब उनके बेटे को मुफ्त पढ़ा जाते थे।
मैं देखता हूँ कि हर इस तरह का प्रशंसक भला के पहले बेचारा जरूर लगाता है, बेचारा भला आदमी। ये अकारण नहीं है। हमारी पूरी विचार प्रक्रिया इन दो शब्दों के साथ चलने में झलकती है। हम भला उसी को कहेंगे जो बेचारा हो। जब तक हम किसी को बेचारा ना बना दे तब तक उसे भला नहीं कहेंगे। क्यों? इसके दो कारण हैं। पहला तो ये कि जो बेचारा नहीं है वे हमें अपने लिए चैलेंज लगता है, उसे हम भला क्यों कहें? दूसरा कारण ये है कि जो बेचारा है उसे हम दबा सकते हैं, लूट सकते हैं, उसका शोषण कर सकते हैं। किसी को भला कहना उसकी प्रशंसा नहीं है, उसे बेचारा करके दया प्रकट करना है। जो हर काम के लिए चंदा दे देता है वे बेचारा भला आदमी है। जो रिक्शा वाला कम पैसे ले लेता है वो बेचारा भला आदमी है। जो लेखक बिना पैसे लिए अखबार के लिए लिख देता है उसे संपादक बेचारा भला आदमी कहते हैं। टिकट कलेक्टर बेचारा भला आदमी है क्योंकि वह बिना टिकट निकल जाने देता है। अपनी व्यवस्था ने बहुत सोच समझकर यह मुहावरा तैयार किया है। पिछले 10 सालों से एक व्यक्ति के बारे में सुन रहा हूँ कि वे बेचारा भला आदमी है, लंगोटी तक उतार कर दे देता है। उस भले आदमी ने कोट उतार कर दे दिया, कमीज उतार कर दे दिया, टोपी उतार कर दे दी, धोती उतार कर दे दी, लंगोटी उतार कर दे ही रहा था कि सावधान हो गया। उसने फिर पूरे कपड़े पहन लिए। अब कोई उसे भला आदमी नहीं कहता क्योंकि वह बेचारा नहीं रहा। एक स्कूली किताबें छापने और बेचने वाला मुझे बेचारा भला आदमी कहता था। मैं उसे पुस्तकें लिख देता और जो वह देता ले लेता। उसके बाप दादे पीढ़ियों से ऐसे बेवकूफ की तलाश में थे। अब जाकर मैं मिला था, वह मेरा यश फैलाता था, पर साई बेचारा भला आदमी है। एक बार मैं बीमार पड़ा, तभी मैं उसके लिए पुस्तक लिख रहा था जो आधी दे दी थी और आधी की पांडुलिपि मेरे पास थी। वह मेरी तबीयत पूछने आया, बीमारी के बारे में पूछा। लेखक ने संघर्ष के प्रति सहानुभूति जतलाई, संसार की असारता पर मत प्रकट किया और अंत में सिद्ध किया कि लिखना तो तपस्या है। उसने मुझे ये भी समझाया कि सच्चा लेखक तो भौतिक उपलब्धियों से मुंह फेर लेता है, वे तो त्यागी होता है। चोर ही सबसे अधिक इस बात का प्रचार करते हैं कि इस महान देश में पहले लोग घरों में ताले नहीं लगाते थे। मैं उसके प्रवचन को सुनता रहा। जब उसने बाकी पांडुलिपि मांगी तो मैंने कहा कि मुझे पैसों की जरूरत है, आप शाम तक भेज दीजिए। एक मिनट पहले के उस ज्ञानी का चेहरा एकदम गिर गया, उसकी आंखों में कलेश आ गया और वह ऐसा कातर हो गया जैसे मैंने उसे कह दिया हो कि भाई तुम यहाँ बैठे हो, घर में तुम्हारे पिताजी की मृत्यु हो गई। उसके बाद उसने मुझे भला आदमी नहीं कहा। कहता था मैं तो समझता था कि वह भला आदमी है, पर मैं तो उसकी तबीयत देखने गया और वह पैसे मांगने लगा। मुझे इस बेचारा भला आदमी से डर लगता है। अगर देखता हूँ कि मेरे बगल में ऐसा आदमी बैठा है जो मुझे बेचारा भला आदमी कहता है तो जेब संभाल लेता हूँ। क्या पता वे जेब काट ले।